इस बार बदलाव है, लालटेन जीत रहा है। एक लाख वोट से भी देंगे। किचड़े में से आए हैं मोदी जी के, किचड़े में धकेलना है। कहा पहले दिन कहा मैंने कि इस दफा हम इलेक्शन लड़ने नहीं आए, हमने कहा लड़ने नहीं आए, जीतने आए। यहाँ मधुबनी लोकसभा से जीत के जाएंगे निश्चित, सर बोले थे हम लड़ने नहीं जीतने आए, सर बोले थे लड़ने नहीं जीतने आए। चर्चा है कि मोदी लहर, मोदी लहर है, कहीं नजर नहीं आया मुझे, आएगा नजर तो बताऊंगा, कहीं नजर नहीं आ रहा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को, मैं नाम अभिषेक है। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरजेडी के प्रत्याशी अली अशरफ फातमी लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से जनसमर्थन मांग रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि आरजेडी के पक्ष में वोट करें, और साफ साफ कह रहे हैं अगर हमारी सरकार आएगी तो इतना रोजगार दिया जाएगा, महंगाई बेरोजगारी पर भी बोल रहे हैं। क्या माहौल लग रहा है, लगातार घूम रहे हैं आप? देखिए, जो पिछले सांसद रहे हैं 15 साल यहाँ से कमल वाले, उन्होंने अपना तो कमल खिला लिया, मधुबनी वालों को बर्बाद कर दिया, एक भी काम उन लोगों के लिए नहीं किया, और इसीलिए यहाँ जो है वो परिवर्तन की बात हो रही है। आज न के देश के अंदर बल्कि मधुबनी के अंदर भी लोग बदलाव चाहते हैं, और एक काम करने वाली सरकार दिल्ली में और एक काम करने वाला एमपी मधुबनी में चाहता है। हम अपना 24 वचन जो हमने किया है, जन वचन, उसके साथ लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों का समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, और हम इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, और एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। प्यार मिल रहा है आपको? बहुत बहुत ज़्यादा, काफ़ी प्यार मिल रहा है, बहुत ज़्यादा। मैं आपसे, ये जो हमारा आज का दौरा है, या लगातार हम दलित पिछड़ों के बीच में जा रहे हैं, और दलित पिछड़ों के बीच में जा रहे हैं, अति पिछड़ों के बीच में, बहुत प्यार मोहब्बत उन लोगों, पिछड़ों का प्यार मिल रहा है, बहुत, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अच्छा, पिछली बार लगातार वो जीतते आ रहे हैं, आपका एम वाई फैक्टर माना जाता है आरजेडी की ओर से, एम तो है ही आपके साथ, वाई सब, सब बेकार की बातें हैं, ये सब कोई नहीं होता है, सब समाज का वोट, पूरे समाज ए टू जेड की बात कीजिए, अब हम लोग केवट समाज, ये सब ये जो है ये तो मीडिया क्रिएशन था। लालू यादव तो आम आदमी का लीडर है, गरीब का, गुरबा का, चाहे वो किसी बिरादरी का हो, और उन्होंने तो यहाँ के जो बहुत ही नीचे, जिनको नीचे कहते हैं, नीचे वाला, उसको गले लगाया उन्होंने, उसके लिए उत्थान के लिए काम किया, तो ऐसा कुछ नहीं, हमारी पार्टी सबके लिए है। तेजस्वी यादव ने एक नया नारा दिया है, माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है, और सारा ए टू जेड की पार्टी है। जी भाई, है ही है, समर्थन मिल रहा है ना, है ही है, देखो ना टिकट का बंटवारा, देखो आप टिकट के बंटवारे में आप नजर आ जाएगा, कुशवाहा जो वोट करते थे पहले बीजेपी के लिए, अध्यक्ष है उनके पार्टी का, एक टिकट नहीं दिया, और उसके मुकाबले में इंडिया गठबंधन ने 6-7 टिकट दिया, आप बोलो। वैश्य समाज में भी नाराजगी है, अरे वैश्य समाज, सीतामढ़ी आप बताइए ना, लगातार दो कैंडिडेट था, दोनों को हटा दिया, और किसको टिकट दिया आपको मालूम है, तो उसकी जगह पे हम लोगों ने शिवर से, और यहाँ झारखंड से, यह अपना झंझारपुर से कैंडिडेट दिया, सुमन महासेठ जी को यहाँ से टिकट दिया, वो जीत भी रहे हैं, और शिवर से भी जीतेंगी हमारी उम्मीदवार। तो ये परिवर्तन हो रहा है, हर तरह से हो रहा है, हम लोग सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, किसी को भी छोड़ना नहीं चाहते, समाज में सबका अधिकार है, और हमारी पार्टी के अंदर भी सबको हमने जगह दिया है, आगे भी देंगे। प्यार मिल रहा है? बहुत प्यार, और मैंने कहा आपसे बदलाव के लिए, बदलाव हो रहा है, बदलाव होगा, हो गया, हो गया, मैं 8 दिन। अच्छा, एक चर्चा है कि मोदी लहर, ये मोदी लहर है क्या? तो कहीं नजर नहीं आया मुझे, आएगा नजर तो बताऊंगा आपको।
नजर नहीं आ रहा, कहीं नजर नहीं आ रहा। अब तो इंडिया गठबंधन का लहर है। जी जिता दीजिएगा ना आप लोग। जी बिल्कुल, हम महिलाएं भी एकदम सर पे कफन बांध चुके हैं कि इस बार तेजस्वी जी की सरकार बनेगी और अली अशरफ फातिमी जी यहाँ मधुबनी लोकसभा से जीत के जाएंगे निश्चित। सर बोले थे हम लड़ने नहीं जीतने आए हैं। सर बोले थे लड़ने नहीं जीतने आए हैं। किचड़े में से आए हैं, मोदी जी के किचड़े में धकेलना है, किचड़े में चला जाएगा वो। हम लोग बिल्कुल लालटेन जलेगा इस बार, लालटेन जलेगा तो जलेगा। मैं ललिता कुमारी बेनीपट्टी प्रखंड अध्यक्ष महिला। और काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और जो लोगों में उत्साह है वो भी हम आपको दिखाते हैं। लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं अली अशरफ फातमी हैं, आरजेडी से प्रत्याशी हैं और काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोगों में उत्साह है, अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं अली अशरफ फातमी और लोगों से समर्थन मांग रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से। और काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में और आप देखिए किस तरीके से अली अशरफ फातमी गाँव घूम रहे हैं, आरजेडी के प्रत्याशी हैं अली अशरफ फातमी और गाँव घूम रहे हैं, लोगों का समर्थन मांग रहे हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और काफ़ी उत्साहित है भीड़। और आपने देखा है किस तरीके से अली अशरफ फातमी को लालू यादव जिंदाबाद। क्या 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 लग रहा है माहौल, क्या लग रहा है, क्या क्या लग रहा है इस बार? बदलाव है, लालटेन जीत रहा है, एक लाख वोट से भी देंगे। काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, काफी उत्साहित है और काफी उत्साह है लोगों में और आपने देखा है किस तरीके से लोगों में काफी उत्साह है। और चलते चलते बात कर लेते हैं, क्या किस तरीके से गाँव घूम रहे हैं? जी बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत जन समर्थन मिल रहा है जी। और आपको आज जो मेरा दौरा है सिर्फ अति पिछड़ा और दलित बस्तियों में, हर जगह प्यार मोहब्बत मिल रहा है और हर बिरादरी के लोग, चाहे ब्राह्मण हो के राजपूत हो के बिजनेस कम्युनिटी के लोग हों, दलित हों अति पिछड़ा हों, हर जगह प्यार और मोहब्बत मिल रहा है, हर जगह वोट मिल रहा है। स्थानीय जो सांसद हैं वो दिखाई नहीं दे रहे, इसको लेकर जनता में नाराजगी दिखाई दे रही है। इनविजिबल हैं 15 साल ये लोग और काम में भी इनविजिबल हैं, तो लोग तलाश कर रहा है कहाँ है हमारा एमपी, किधर है। तो मेरा तो जितने आए हैं मैंने कहा, पहले दिन कहा मैंने कि इस दफा हम इलेक्शन लड़ने नहीं आए, हमने कहा लड़ने नहीं आए जीतने आए हैं। तो आपने सुना कि अली अशरफ फातमी घूम रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, जन समर्थन मांग रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि इस बार लड़ने नहीं आए हैं जीतने आए हैं और जनता बदलाव के मूड में है, जनता बदलाव करके जिताएगी। अब देखने वाली बात होगी आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं अली अशरफ फातमी वो जीत पाते हैं कि नहीं, लेकिन लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, क्षेत्र में लोगों से जनता से प्यार मांग रहे हैं ताकि जिता सके। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मधुबनी लोकसभा सीट से कौन जीतता है, लेकिन अली अशरफ फातमी ने कई दावे किए हैं और साफ साफ कहा है, वादे भी बताए हैं, अगर वचन भी दिए हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम क्या कुछ करेंगे। तो बने रहिए लाइव वीडियोस के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए।